नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और इसके अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने कक्षीय वेग के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ अन्य टॉपिक पढ़े थे जिसके अंदर अपने परिक्रमण काल वगैरह ज्ञात किया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह तथा भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आज अपने भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने इसके अंदर जो भूस्थायी उपग्रह है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल, एक ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर हो, ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है, कौन सा उपग्रह कहलाता है? भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। इसे हम लोग भूस्थायी या भूस्थिर उपग्रह भी कहते हैं। इसे आप लोग भूस्थायी कह सकते हो या भूस्थिर कह सकते हो या तुल्यकालिक उपग्रह भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल कितना हो, 24 घंटा हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है भूस्थायी उपग्रह। अब देखिए, जो पृथ्वी है उसका घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटा होता है, ठीक है। और जो आपके पास में ये जो उपग्रह है भूस्थिर या तुल्यकाली या तुल्यकालिक उपग्रह, हम लोग जिसे कहते हैं तुल्यकाली या तुल्यकाली उपग्रह, तो इसका भी जो काल होता है वो कितना होता है? आवर्तकाल 24 घंटे होता है। तो पृथ्वी का और इसका आवर्तकाल क्या होता है? बराबर होता है। इस वजह से क्या होगा कि अगर कोई प्रेक्षक पृथ्वी की सतह पर खड़ा होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, तो ये उसे हमेशा उसी जगह पर दिखाई देगा, ठीक है, यानी ये उसे हमेशा इसी जगह दिखाई देगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। किसी भी पोजीशन से इसे देखा जाएगा तो उस पोजीशन के सापेक्ष ये क्या दिखाई देगा? इसे स्थिर या तुल्य दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम है? तुल्यकालिक उपग्रह। अब अपने इसमें देखते हैं कि हमारे पास में जो ये तुल्यकालिक उपग्रह होता है इसे कितनी ऊंचाई पर हम लोग रखते हैं, ठीक है, यानी ये जो उपग्रह है इसकी कक्षा जो है वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होती है। तो अब अपना टॉपिक आता है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, भूस्थिर उपग्रह की, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है, ये अपना टॉपिक आता है। इसके अंदर अपने देखेंगे कि जो हमारा भूस्थायी या भूस्थिर उपग्रह है ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं इसमें और देख लेते हैं कि जो हमारे पास में भूस्थायी उपग्रह होता है और जो ध्रुवीय उपग्रह हम लोग बनाने वाले हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो ये तो अपने पास में क्या है? पृथ्वी है। ये तो क्या है हमारे पास में? पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, एक तो लगाएगा आपका जो ध्रुवीय उपग्रह होगा वो, और एक लगाएगा जो आपके पास में तुल्य उपग्रह है वो। तो ये दोनों क्या करेंगे? पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। तो इसमें अपने तल बना लेते हैं, एक ध्रुवीय तल बनाते हैं और एक अपने बनाते हैं इसमें भूमध्य तल। तो दो तल इसमें बनाते हैं, ये जो तल यहाँ बने गए इस पर, ये वाला जो तल है, ये तल तो क्या कहलाता है? भूमध्य तल कहलाता है। ये जो तल है ये कौन सा तल है? ये है भूमध्य या भूमध्य तल। और ये जो इसमें तल आने वाला है ये कौन सा तल है?
ये है इसका ध्रुवीय तल। ये जो तल है ये कौन सा है? ध्रुवीय तल है। ये हम लोगों ने बना दिया है ध्रुवीय तल, ठीक है। तो ये दो तल हम लोगों ने बना दिए, एक तो हमारे पास में भूमध्य तल है और दूसरा कौन सा तल आया? ध्रुवीय तल आया है। अब अपने कक्षा बनाते हैं, एक तो बनाते हैं इसके अंदर भूस्थाई उपग्रह की और एक बना देते हैं जो हमारे पास में ध्रुवीय उपग्रह होता है उसकी। अब अगर दोनों की क्या बनाते हैं? अपने कक्षा बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से इनकी कक्षाएँ बनेगी। ये तो कक्षा आती है जो आपके पास में भूस्थाई भूस्थाई उपग्रह की कक्षा, और यहाँ ये जो कक्षा आएगी इस जगह ये वाली, ये कक्षा आती है ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाती है? इनकी कक्षा आ जाती है। ये अपने इसमें दिशाएं बना दी है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। और ध्रुवीय उपग्रह के बारे में अगर बात करें तो ये अपनी कक्षा में इस तरीके से चक्कर लगाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम आएगा जिसके अंदर दोनों को हम लोगों ने बना दिया है। भूस्थाई उपग्रह के लिए अपने क्या किया है? डायग्राम बनाया ये वाला, और ध्रुवीय उपग्रह के लिए ये जो सीधा डायग्राम इसे बनाया है। ये बीच में जो हमारे पास में है ये क्या है? पृथ्वी है। ये जो तल है इसका कौन सा तल है? भूमध्य तल है। और ये जो तल है ये कौन सा तल है हमारे पास में? ध्रुवीय तल है। अब अपने क्या करने वाले हैं? अब अपने इसमें जो भूस्थिर उपग्रह इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाले हैं कि भूस्थाई उपग्रह जो होते हैं ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें अपने मान लेते हैं कि भूस्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो मान लेते हैं वो स्मॉल आर ऊंचाई पर है, ठीक है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? वो स्मॉल आर ऊंचाई पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। दूरी कितनी है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर आपको पता है किसके बराबर होती है? एक तो पृथ्वी की जो त्रिज्या आर लेते हैं वो, और एक जो अपने पास में एच ऊंचाई होती है वो। इन दोनों को अपने क्या करते हैं? इसमें काम में लेते हैं, एच को और आर को। तो यहाँ से आप लोग जो है वो आर का मान ज्ञात कर सकते हो और एच जो है उसका मान आप लोग निकाल सकते हो कि एच का मान अपने पास में कितना आएगा। तो देखिए अपने पास में मान जो है वो क्या आने वाला है। तो आप लोग इसके अंदर फॉर्मूला काम में लोगे जो आपके पास में उपग्रह के आवर्तकाल का सूत्र होता है, उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल कैपिटल टी होता है, और टी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था? टी का फॉर्मूला लिखा था, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं? स्मॉल आर जो है इस स्मॉल आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, और स्मॉल आर के मान के अंदर आपको पता है कैपिटल आर और एच जो है वो दोनों आएंगे, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल एच दोनों आएंगे, और आप लोग सोल्व करके यहाँ से क्या कर सकते हो? स्मॉल एच का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसके अंदर स्क्वेयर करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो दोनों साइड आप लोग जब स्क्वेयर करोगे तब देखिए आपके पास में मान जो है वो कितना आएगा। तो दोनों साइड स्क्वेयर करने पर देखिए, दोनों साइड अगर आप लोग स्क्वेयर करते हो तो ये बनता है टी स्क्वेयर, और ये बनता है 4π² आर क्यूब अपॉन जी एम। और यहाँ से आप लोग आर क्यूब जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हो, कितना आएगा? टी स्क्वेयर जी एम अपॉन 4π², टी स्क्वेयर जी एम अपॉन 4π² आता है। और आर का मान आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कितना बनता है? ये बनता है जी एम टी स्क्वेयर अपॉन 4π², और इसकी पावर कितनी बनती है? 1/3 बनती है। तो जी एम टी स्क्वेयर 4π², और इसकी पावर कितना बनती है? 1/3
तीन बनती है। और इसे, ये जो इक्वेशन बनी है, इसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। जी का मान आप सभी जानते हो, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है। और पाई की जगह आप लोग 3.14 रख सकते हो। एम की अगर बात की जाए तो एम की जगह अपने रखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान अपने लेते हैं 6 × 10^24 kg, ठीक है। ये हमारे पास में किसका मान होता है, कैपिटल एम का मान होता है 6 × 10^24 kg। इसके अलावा अगर अपने बात करें टी की, तो टी का मान अपने जो भूस्थायी उपग्रह होता है इसका कितना होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है। अपने पास में मान कितना होता है, ये 24 घंटा होता है, और इसे 3600 से मल्टीप्लाई करने पर ये किस में बदल जाता है, सेकेंड में बदल जाता है, ठीक है। इसे अगर 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो मान आपके पास में प्राप्त होते हैं, उन सब मानों को यहाँ पर आप लोग रख लोगे, और स्मॉल आर जो है उसका मान आप लोग ज्ञात कर लोगे। स्मॉल आर का मान आपके पास में जो आएगा, वो आएगा लगभग, मान आने वाला है आपके पास में, वो आएगा 42330। स्मॉल आर का मान लगभग कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 42330, ठीक है। ये मान आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा किलोमीटर के अंदर, ठीक है। 42330 किलोमीटर के अंदर ये मान आएगा, ध्यान रखना इस बात का, किलोमीटर के अंदर ये मान लिखा गया है। ये किसका है, स्मॉल आर का है। आप लोग जानते हो स्मॉल आर किसके बराबर होता है, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होता है। आपको अगर एच का मान ज्ञात करना हो तो स्मॉल आर में से कैपिटल आर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कैपिटल आर की अगर बात की जाए तो ये अपने क्या करते हैं, 6400 किलोमीटर लिखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी काम में लेते हैं अपने, 6400 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लेते हैं अपने, 6400 किलोमीटर लेते हैं। और इन्हें घटाने के बाद में देखिए आपके पास में मान कितना बचता है, 35930 बचता है। आपके पास में मान बचता है 35930 किलोमीटर। ये मान आपके पास में आता है स्मॉल एच का, ठीक है, 35930 लगभग। अगर अपने बात की जाए कि लगभग ये कितना मान आपको प्राप्त होता है, तो लगभग पृथ्वी तल से अगर अपनी ऊंचाई की बात करें, तो लगभग पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। एच का अगर लगभग मान अपने देखें, ये कितना प्राप्त हो जाता है, 36,000 किलोमीटर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन आप लोग करोगे यहाँ से, ये लगभग मान के लिए आप लोग कर सकते हो, और लगभग मान आपके पास में कितना आता है, ये 36,000 किलोमीटर आता है। तो पृथ्वी तल जो होता है उससे 36,000 किलोमीटर पर जो उपग्रह होता है वो कौन सा होता है, भूस्थिर उपग्रह होता है। और इस ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थित होता है उसकी कक्षा को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस ऊंचाई पर जो आपके पास में उपग्रह स्थित होता है उसकी कक्षा को अपने जानते हैं पार्किंग कक्षा के नाम से, ठीक है। इस उपग्रह की जो कक्षा होती है वो कौन सी कक्षा कहलाती है, पार्किंग कक्षा कहलाती है, ठीक है। उनकी कक्षा को किस नाम से जानते हैं, अपने पार्किंग कक्षा के नाम से जानते हैं। अगर अपने बात करें संचार उपग्रह की, जैसे इनसेट अपने पास में है, इनसेट जो आपके पास में है, इनसेट ये कौन सा उपग्रह है, तो इनसेट हमारे पास में जो है वो एक भूस्थायी उपग्रह है। इनसेट जो अपने पास में है ये क्या है, ये एक भूस्थायी उपग्रह है, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हो कि आपके पास में जो भूस्थायी उपग्रह है उसका एग्जांपल क्या है, तो इनसेट जो है वो क्या है, भूस्थायी उपग्रह का एक एग्जांपल है। एक तो आप लोग याद रखोगे कि पार्किंग कक्षा किसको कहते हैं, तो भूस्थायी उपग्रह जो होता है उसकी कक्षा को किस नाम से जानते हैं, पार्किंग कक्षा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग ये याद रखोगे कि ये लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। इनसेट की अगर बात करें तो इंडियन, आई का इंडियन और एन का नेशनल बनता है, और इसका बनता है SAT जो लिखा गया, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट बोल सकते हो आप लोग। तो ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम अपने पास में है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, इनसेट के नाम से जानते हैं। तो इनसेट जो है हमारे पास में, ये किस प्रकार का उपग्रह है, ये एक भूस्थायी उपग्रह है, ठीक है। ये किस लिए काम में आता है, तो ये हमारे पास में आता है संसार के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसका उपयोग अगर आपको याद रखना हो कि ये क्या काम आएगा, तो ये आएगा अपने संसार के लिए काम में, ठीक। इसके अलावा इनसेट जो है वो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और समस्त संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपके पास में कम से कम 3 भूस्थायी उपग्रहों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कंप्लीट संचार व्यवस्था के लिए आपके पास में कम से कम कितने भूस्थायी उपग्रह होने चाहिए,
तो कम से कम आपके पास में तीन भूस्थायी उपग्रह होने चाहिए, ठीक है। कम से कम कितने होने चाहिए संपूर्ण संचार व्यवस्था के लिए? तो संपूर्ण संचार व्यवस्था के लिए आपके पास में कम से कम तीन भूस्थायी उपग्रह जो है वो होने चाहिए, ठीक है। कम से कम तीन भूस्थायी उपग्रहों की आवश्यकता होती है अपने संपूर्ण संचार व्यवस्था के लिए। लगभग अगर इनके बीच में अंतराल देखा जाए तो 120 डिग्री के अंतराल पर अपने ये उपग्रह जो है वो आते हैं। दूसरा, अगर अपने बात करें संचार उपग्रहों की, तो एक तो मैंने आपको बताया कि इनसेट जो है वो कौन सी श्रेणी का उपग्रह है, संचार उपग्रह जो है वो इनसेट जो है आपका वो भूस्थायी उपग्रहों के अंदर आता है। और भूस्थायी उपग्रह जो होते हैं वो क्या काम में आते हैं? ये काम में आते हैं अपने संचार के, जैसे रेडियो टीवी वगैरह हो गया, इनके कार्यक्रम जो होते हैं उनके प्रसारण के लिए कौन से उपग्रहों की आवश्यकता होती है? तो इन सब के प्रसारण के लिए अपने पास में जो भूस्थायी उपग्रह है इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भूस्थायी उपग्रह अपने क्या काम में आते हैं? संचार व्यवस्था के काम में आते हैं। जो अपने पास में प्रोग्राम आते हैं टीवी वगैरह में, जो रेडियो वगैरह में प्रोग्राम आते हैं, उन सब के लिए अपने कौन से उपग्रह काम में आते हैं? तो वो भूस्थायी उपग्रह काम में आते हैं। और जो भूस्थायी उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी के लिए अगर अपनी बात करें संचार व्यवस्था के लिए, तो कम से कम आपके पास में तीन भूस्थायी उपग्रह जो है वो होने चाहिए। इनके बीच में अंतराल जो है वो लगभग कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। 120 डिग्री के अंतराल के बाद में दूसरा अपने भूस्थायी उपग्रह जो है उसकी आवश्यकता होती है। ये कंप्लीट बातें थी हमारे पास में भूस्थायी उपग्रह की, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर, अब आता है भूस्थायी उपग्रह जो है उसका वेग कितना होगा। देखिए, भूस्थायी उपग्रह का वेग, देखिए भूस्थायी उपग्रह जो है उनका वेग अगर आपको देखना हो, तो भूस्थायी उपग्रहों के वेग का सीधा सीधा आप लोग सूत्र क्या लिख सकते हो? वेग का सीधा सीधा सूत्र जो है आप लोग लिख सकते हो 2πr/T, ठीक है। क्या लिख सकते हो? 2πr/T लिख सकते हो। भूस्थायी उपग्रह का अगर आपको क्या करना हो, वेग ज्ञात करना हो, तो वी इक्वल क्या लिखोगे? 2πr/T लिखोगे। वेग का या चाल का जो सामान्य सूत्र होता है दूरी बटा समय, उस सूत्र को हमने यहाँ पर काम में लिया है। तो आर की अगर बात करें तो वी इक्वल क्या होता है? 2πr+h होता है, और ये अपने पास में कितना है? टी है। तो इसका तो मान आपको पता है 3.14 हम लोग रख देते हैं। और आर प्लस एच की अगर बात करें, दोनों मानों की एक साथ अगर बात करें, तो ये सामने लिखा हुआ है 42,330 किलोमीटर, ठीक है। ये आर प्लस एच जो है यानी स्मॉल आर जो है, इसका मान कितना है? 42,330 किलोमीटर है। और इसका मान अगर अपने देखें तो कितना होता है? 24 घंटा होता है। इसे सेकंड के अंदर अपने कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसे 60 × 60 करेंगे, यानी अपने इसे 24 × 60 × 60 यानी 3600, और ये आपके पास में क्या आ जाती है? सेकंड आ जाती है। ये सारे मान जो है अपने इसके अंदर रख देंगे, और किलोमीटर जो आपके पास में दे रखे हैं इनको मीटर में भी आप लोग चेंज करोगे तो आपके पास में जो मान आएगा वो मीटर के रूप में आपके पास में मान आएगा, और कितना आएगा? वो आएगा 3.067 × 10³ मीटर/s। ये मान जो है वो इसके वेग का प्राप्त होगा, ठीक है। ये सेकंड वगैरह में आप लोगों को चेंज करना है, ये मान आपके पास में है ही, और इसे क्या करोगे? 10³ से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा, और मीटर के रूप में ये मान आपको मिल जाएगा। किलोमीटर के रूप में बात करें तो 3.1 किलोमीटर/s जो है आपके पास में इसका वेग आएगा, 3.1 किलोमीटर/s, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह जो है अपने किसी भी ऐसी कक्षा में स्थापित किए जा सकते हैं जिसका तल पृथ्वी के केंद्र से गुजरे। और भूस्थायी उपग्रह जो है वो कहाँ से परिक्रमण करते हैं? तो भूस्थायी उपग्रह जो है वो भूमध्य तल जो अपना होता है, उस भूमध्य तल के अंदर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ऐसा आपने डायग्राम में पहले ही बना रखा है। तो ऐसा आपने डायग्राम में पहले ही बना रखा है कि हमारे पास में जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वो कहाँ गति करते हैं? तो ये जो आपके पास में भूमध्य तल है, इसके चारों ओर ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और किस वेग से चक्कर लगाते हैं? ये 3.1 किलोमीटर/s के वेग से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अपना जो दूसरा उपग्रह है वो है ध्रुवीय उपग्रह, कि ध्रुवीय उपग्रह जो है वो कौन से होते हैं। देखिए ध्रुवीय उपग्रह ये वो उपग्रह होते हैं जिनका तल, जिन उपग्रहों का तल कहाँ से होकर के गुजरे, पृथ्वी के ध्रुव जो है, पृथ्वी के ध्रुव उत्तर व दक्षिण ध्रुव से होकर के गुजरे, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें कि ध्रुवीय उपग्रह कौन से होते हैं, तो वो उपग्रह जिनका तल कहाँ से होकर के गुजरता है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरता है, कौन से उपग्रह कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। दूसरा, आपके पास में जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से बिल्कुल अलग ऊंचाई पर अपने लेते हैं, इनकी ऊंचाई जो होती है लगभग 500 से 800 किलोमीटर पर होती है, और इनकी घूर्णन की गति जो है वो क्या होती है, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत होती है। लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो ये लगभग 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, और इनकी गति जो है वो क्या होती है, पृथ्वी के विपरीत होती है, पृथ्वी के घूर्णन के क्या होती है, विपरीत होती है। इसलिए इनको अपने क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पर्शगतिक कक्षा। इनकी कक्षा जो होती है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, तो इनकी कक्षा को पर्शगतिक कक्षा के नाम से जानते हैं। और इनका परिक्रमण काल और वेग अगर देखें, तो इनका परिक्रमण काल जो है, इनका परिक्रमण काल लगभग कितना होता है, 100 मिनट का होता है। और वेग अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वेग से गति करते हैं, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। इनका वेग अगर देखोगे तो कितना आएगा, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। और परिक्रमण काल जो है इनका वो कितना होता है, लगभग 100 मिनट होता है। तो 100 मिनट के आसपास इनका परिक्रमण काल होता है। और वेग कितना होता है, तो इनका वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी घूर्णन जो है वो क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन के विपरीत दिशा में होते हैं। इसलिए जो कक्षा होती है ध्रुवीय उपग्रहों की, उसकी कक्षा को अपने क्या कहते हैं, उनकी कक्षा को कहा जाता है पर्शगतिक कक्षा। और ऊंचाई आप लोगों को याद रखनी है, 500 से 800 किलोमीटर जो है इनके आसपास इनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये लगभग ऊंचाई हम लोगों ने लिखी है। ठीक है, और इनकी अगर बात करें तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो इनके द्वारा अपने जो फसलों की व्यवस्था है, वनों का विस्तार है, भूजल स्रोत है, खनिज, सेना, सैनिक, इन सब के बारे में अगर अपने को पता लगाना हो तो वो कौन बताता है, वो अपने को बताता है ध्रुवीय उपग्रह। तो एक तो फसल की जानकारी या वनों के बारे में जानकारी, वनों की स्थिति, ठीक है, या फिर अपने जो सैनिक होते हैं, सैनिक या जो आपके शस्त्र भंडार होते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, इनके द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी जो दूसरे देशों के सैनिक होते हैं, कहाँ पर उनकी सेनाएं हैं, उन सब के बारे में अगर पता लगाना हो, या वनों की स्थिति का पता लगाना हो, फसलों के बारे में पता लगाना हो, तो उन सब के बारे में अपने जानकारी कौन से उपग्रहों के द्वारा लगाया जाता है, तो उन सब की जानकारी अपने जो है वो लगाई जाती है ध्रुवीय उपग्रहों के द्वारा। तो ध्रुवीय उपग्रह अपने फसलों के बारे में, वनों की स्थिति के बारे में, और सैनिक और सैनिकों के जो सामान है, विभिन्न प्रकार के सैनिक और इनके सामान जो है, ठीक है, सामान का मतलब इनके जो सैन्य उपकरण होते हैं उनकी स्थितियों को अगर पता लगाना हो कि किनके सैन्य उपकरण जो है वो कहाँ तैनात है, तो उसमें अपने कौन से उपग्रहों की सहायता ली जाती है, उसमें अपनी सहायता ली जाती है ध्रुवीय उपग्रहों की। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर अपने भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह आते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है ये टॉपिक, तो ये मैंने आपको करवाया है। दूसरा एक टॉपिक आपके बिल्कुल लास्ट दिया है, वो है कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध। ये दोनों, ये जो टॉपिक है ये मैं आपको पहले जो आपकी लास्ट क्लास है उसके अंदर करवा चुका हूँ। एक टॉपिक और आता है इसमें जिसका नाम है बाहर इंता। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि बाहर इंता जो है इसका क्या मतलब है। देखिए आगे, बाहर इंता
नया टॉपिक है अपना बार इंता। ठीक है, तो एक तो ये आपके सिलेबस का इस बार हिस्सा है नहीं, और कुछ एक बेसिक बातें ऐसे मैं आपको बता देता हूँ बार इंता के बारे में कि बार इंता जो वर्ड है वो अपने किस लिए काम में लेते हैं। आप लोगों ने एक तो अनुभव किया होगा कि जो आपके पास, अगर आप किसी लिफ्ट वगैरह में चढ़े हो, अगर आप कहाँ चढ़े हो, लिफ्ट में चढ़े हो, तो जब लिफ्ट जो है वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर की ओर जाने पर अपने को अपना वजन जो है वो अधिक अनुभव होता है, यानी अपने को अनुभव होता है कि अपना वजन जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ऐसा कब होता है, जब लिफ्ट कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो अपने को क्या महसूस होता है, अपने को महसूस होता है अपने भार में वृद्धि, सामान्य अनुभवों की बात कर रहे हैं अपने। और जब लिफ्ट कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है, तो अपने को अनुभव होता है कि अपने भार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, अपने आप को अपने क्या महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। दैनिक जीवन में अपने ऐसा देखते हैं, यानी जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको लगता है कि आपका वजन जो है बढ़ गया है, और जब नीचे की ओर आती है तब आपको लगता है कि आप जो है आपके भार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऐसा आप लिफ्ट में देख सकते हो, या जो आपके पास में घूमने वाले झूले होते हैं उनके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि जब वो नीचे की ओर आता है तब आपको अपना वजन हल्का महसूस होता है, जब वो ऊपर की ओर जाता है तब आपको लगता है कि आपका भार जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि अगर लिफ्ट क्या आ रही हो, स्वतंत्रतापूर्वक आ रही हो, स्वतंत्रतापूर्वक यानी लिफ्ट जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ से अगर टूट जाए, जैसे किसी रस्सी या किसी तार के द्वारा ये जुड़ी हुई है, अगर ये यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसमें ये क्या करती है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, और उसमें अपने को अपना वजन जो है वो महसूस नहीं होता है। जिसमें अपने को हमारा वजन महसूस नहीं होता है उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं भार हीनता। ठीक है, जहाँ अपने को हमारा वजन जो है अनुभव नहीं होता उस कंडीशन को अपने किस नाम से जानते हैं, भार हीनता के नाम से जानते हैं। देखिए, जब क्या होता है, लिफ्ट अपनी स्थिर अवस्था में होती है, जब लिफ्ट क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई भी व्यक्ति है, तो इस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो लगता है इसका भार एम जी नीचे की ओर, और एक लगता है इस पर प्रतिक्रिया बल आर। सामान्य जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि आर और एम जी जो है वो बराबर होते हैं, यानी आर माइनस एम जी अगर आप लोग करते हो तो वो कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, परंतु जो अन्य कंडीशन आपके पास में होती है, यानी जब लिफ्ट कहाँ आ रही होती है, नीचे की ओर आ रही होती है, उसमें आपके पास में क्या होता है, उसमें आपके पास में फॉर्मूला होता है R इक्वल एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए, यानी जब क्या हो रही हो, ये नीचे की ओर आ रही हो, उसमें ये जो केस है आपके पास में, तब आपके पास में फॉर्मूला क्या आता है, R इक्वल एम जी माइनस एम ए प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें की अगर अपने बात करें तो जब क्या होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो और क्या हो जाए, ये यहाँ से टूट जाए, यानी स्वतंत्रतापूर्वक अगर ये नीचे आती है, तब जो ये त्वरण है लिफ्ट का, जो नीचे आते समय त्वरण ए है, ये किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर हो जाता है। कब, जब ये स्वतंत्रतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरती है। अगर ए और जी बराबर हो जाए तो यहाँ देख सकते हो आर इक्वल क्या आएगा, एम जी माइनस एम जी, और उसमें क्या आ जाएगा, आर का मान जीरो आ जाएगा। ठीक है, आर का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब आपके पास में ये आर जो है इसका मान जीरो आ जाएगा, ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है, ये अवस्था होती है बार इंता की। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी बार इंता के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट फिजिक्स जो है उसका ये लास्ट जो चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अभी अपने जो अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो था वहाँ से एक अपना टॉपिक बचता है, जिसके अंदर अपने जो मूल बल होते हैं प्रकृति के उनकी बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है इस बार आपका जो वो चैप्टर है उसके अंदर से एक ही टॉपिक बचा है, जिसका नाम है प्रकृति के अंदर लगने वाले बल, जो मूल बल है उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो एक वीडियो इसका बचता है वो बचेगा मूल बलों के बारे में। ठीक है, तो मूल बल, और इसके साथ साथ मैं आपको चिरसम्मत यांत्रिकी में जो मूल संरक्षण नियम है उनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपकी फर्स्ट फिजिक्स जो है इनके कंप्लीट चैप्टर जो है वो पूरे हो जाएंगे, और जो नया पुराना सिलेबस हम दोनों के हिसाब से। ठीक है।